लीग के लिए एक और मुश्किल पार्टी में दरारें खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। नून लीग को अलविदा कहने वाले डेप्यूटी मेयर वसीम कादिर खिलाड़ी बन गए। वसीम कादिर की वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार से मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। नए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में आपके साथ हूँ, वसीम कादिर की गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब का कहना है कि तहरीक इंसाफ लाहौर में मजीद मजबूत होगी। जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों का इल्जाम, खोकर बरादरान मुश्किल में। सुप्रीम कोर्ट के बाद महकमा एंटी करप्शन भी इन एक्शन। सैफुल मलूक खोकर और अफजल खोकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इकबाल टाउन में एलडीए की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के लिए एनओसी जारी करने का इंकशाफ। साबिक पीएमओ इकबाल टाउन चौधरी मोहम्मद सलीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर का व्हाइट हाउस गैर कानूनी करार, खोकर पैलेस के मनसूख शुदा नक्शे भी सामने आ गए। इकबाल टाउन इंतजामिया ने नक्शे एलडीए को जमा करवा दिए। व्हाइट हाउस ना टीएमए से मंजूर शुदा और ना ही एलडीए से। खोकर पैलेस का किराना है, एलडीए ने मनसूबा बंदी शुरू कर दी। जाली अराजी स्कैंडल में मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। कितना मुश्किल है मुलजिमान को पकड़ना। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जीशान असगर से इस्तफसार। इससे बड़ा जुर्म और क्या होगा कि जाली फैसले तैयार किए गए, अदालत के रिमार्क्स। पुलिस को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 10 जनवरी तक की मोहलत। दरखास्त गुजार अजहर सदीक एडवोकेट के मामले पर जीआईटी बनाने की इस्तदा। जिला अदलिया के लिए कॉपी एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस अनवारुल हक का कहना है कि अब एक बटन दबाकर मुकदमे की अपडेट ली जा सकती है। हमें जुडिशियल सिस्टम की बीमारियों को पकड़ने के लिए ऐसे आलात की जरूरत है। महदूद वसाइल के साथ निजाम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पोल्ट्री यूनिट्स प्रोग्राम भी तब्दीली का शिकार। 800 ग्राम और 1 किलो से कम वजन वाली मुर्गियां तकसीम करने का इंकशाफ। एक मुर्गे की बजाय 3 मुर्गे शामिल किए जाने लगे। एक माह में अंडों के हुसूल का वादा भी पूरा ना हो सका। हो सकता है कि चंद परिंदों का वजन कम हो। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक। और रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए साद रफी का 26 दिसंबर तक राहदारी डिमांड।